नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धैर्यस के साप्ताहिक करंट अफेयर्स कार्यक्रम इंडिया दिस वीक में। मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे। इंडिया दिस वीक कार्यक्रम का मकसद आपको हफ्ते भर की उन अहम खबरों से रूबरू कराना है जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद ही जरूरी है। तो आइए पिछले सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ शुरू करते हैं इस हफ्ते का इंडिया दिस वीक कार्यक्रम। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने हासिल की एक और बड़ी कामयाबी। अमेरिका की 13 नैनो सैटेलाइटों के साथ थर्ड जनरेशन के कार्टोसैट 3 उपग्रह का किया इसरो ने सफल प्रक्षेपण। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेपी ने जारी की उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2019। पिछले 10 सालों में वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में हर साल 1.5 डिग्री सेल्सियस की हुई है वृद्धि। केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किया दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव का विलय कराने संबंधी एक विधेयक। बेहतर सुविधाओं और कुशल प्रशासन के मद्देनजर हो रहा है इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का आपस में विलय। राज्यसभा से भी पारित हुआ ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों की सुरक्षा विधेयक 2019। ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उनके सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक महत्व को बढ़ाने के मकसद से किए गए हैं इस विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। 5 साल के लिए और बढ़ा उग्रवादी समूह नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड पर लगा प्रतिबंध। जबरन वसूली और हत्या जैसी कई हिंसक गतिविधियों में लिप्त होने के अलावा भारत विरोधी ताकतों की मदद करने के चलते केंद्र सरकार ने लगाया है बोडोलैंड पर प्रतिबंध। जारी हुआ लोकपाल का लोगो और आदर्श वाक्य। प्रयागराज के प्रशांत मिश्र ने बनाया है लोकपाल का लोगो और ईशोपनिषद से लिया गया है लोकपाल का आदर्श वाक्य। जैव प्रौद्योगिकी की तकनीक से बने गोल्डन राइस को उगाने की मंजूरी दे सकता है बांग्लादेश। गोल्डन राइस में मौजूद विटामिन ए के चलते ये कई संक्रामक रोगों से लड़ने में है सक्षम। और आयोजित हुआ भारत का पहला सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से आयोजित सम्मेलन को हर साल आयोजित किए जाने की बनाई जा रही है योजना। तो आइए अब खबरों को विस्तार से समझते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। बीते दिनों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद इसरो ने थर्ड जनरेशन के कार्टोसैट 3 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इस उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV-C47 के जरिए लॉन्च किया गया। कार्टोसैट 3 उपग्रह के साथ ही अमेरिका के भी 13 नैनो सैटेलाइटों को लॉन्च किया गया। इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कार्टोसैट 3 को आसमान में भारत की आंख कहा जा रहा है। कार्टोसैट 3 उपग्रह को धरती से 509 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्यतुल्यकालिक कक्षा यानी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। इसरो के मुताबिक यह उपग्रह रिमोट सेंसिंग के मामले में दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ होगा। कार्टोसैट 3 के हर कैमरे में 25 सेंटीमीटर के ग्राउंड रेजोल्यूशन की क्षमता होगी। इसका मतलब यह है कि कार्टोसैट 3 पृथ्वी पर मौजूद किसी भी वस्तु के छोटे से हिस्से की भी 509 किलोमीटर की ऊंचाई से बेहद ही साफ तस्वीर ले सकेगा। भारत के पास अब तक जितने ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स मौजूद हैं, उनमें कार्टोसैट 3 सबसे उन्नत किस्म का है। कार्टोसैट 3 पहली ऐसी सैटेलाइट है जो पैनक्रोमेटिक मोड में 16 किलोमीटर की दूरी की स्पेशियल रेंज कवर कर सकता है। इसके अलावा यह मल्टी स्पेक्ट्रम और हाइपर स्पेक्ट्रम को भी आसानी से कैप्चर कर सकता है। साथ ही कार्टोसैट 3 से मिलने वाली हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों का इस्तेमाल कई अन्य अनुप्रयोगों में भी किया जा सकता है। इनमें कार्टोग्राफी, अवसंरचना योजना निर्माण, शहरी एवं ग्रामीण विकास, उपयोगिता प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन, इन्वेंट्री एवं प्रबंधन और आपदा प्रबंधन जैसे काम शामिल हैं। कार्टोसैट 3 की इन्हीं सब खासियतों की वजह से इसे शार्पेस्ट आई या आसमान में भारत की आंख भी कहा जा रहा है। आपको बता दें कि कार्टोसैट 3 उपग्रह कार्टोसैट श्रृंखला का नवा उपग्रह है। इस श्रृंखला का पहला उपग्रह साल 2005 में प्रक्षेपित किया गया था। कार्टोसैट 3 उपग्रह का वजन 1625 किलोग्राम है जो इस वर्ग के पहले के सभी उपग्रहों के भार से दोगुना है। PSLV-C47 से प्रक्षेपित होने के बाद कार्टोसैट 3 बंगलोर में मौजूद इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के नियंत्रण में है। कार्टोसैट 3 के बाद इसरो दो और सर्विलांस सैटेलाइट लॉन्च करेगा जिनमें RESAT-2 BR-1 और RESAT-2 BR-2 शामिल हैं। इसरो इन्हें अपने PSLV
C-48 और C-49 की मदद से दिसंबर में श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनीपी ने बीते उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2019 जारी की है। यूनीपी की इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के संभावित खतरों को लेकर चिंताएं जाहिर की गई हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि यदि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 2020 से 2030 के दौरान हर साल 7.6% की कमी नहीं की गई तो पेरिस समझौते के तहत किए गए 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल कर पाना संभव नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में हर साल 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और इसके चलते मौजूदा वक्त में कुल वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 55.3 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हो गया है। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2019 के मुताबिक पेरिस समझौते के तहत तय सभी लक्ष्यों का पालन किए बगैर जलवायु परिवर्तन के संभावित खतरों से बचा नहीं जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है यदि मौजूदा वक्त में पेरिस समझौते के तहत तय सभी लक्ष्यों का पालन किया भी जाता है तो भी 2030 तक वैश्विक तापमान में 3.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी और इसका जलवायु पर बेहद ही गंभीर परिणाम देखने को मिलेगा। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2019 में बताया गया है कि दुनिया का 78% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन G20 देशों द्वारा किया जाता है, जबकि G20 देशों में शामिल चीन, अमेरिका, भारत और यूरोपियन यूनियन जैसे देश मिलकर कुल 55% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। पेरिस समझौते के तहत करीब 65 देशों ने 2050 तक अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को शून्य तक लाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इसके लिए फिलहाल सिर्फ कुछ ही देशों ने रणनीति बनाई है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनीपी द्वारा जारी की जाने वाली उत्सर्जन गैप रिपोर्ट के जरिए ये आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हकीकत में हम क्या कर रहे हैं। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट के जरिए कार्बन उत्सर्जन को निर्धारित लक्ष्यों तक कम करने के लिए जरूरी स्तर और मौजूदा वक्त के कार्बन उत्सर्जन स्तर का अंतर निकाला जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने दादरा नगर हवेली और दमन और दीव का विलय कराने संबंधी एक विधेयक लोकसभा में पेश किया है। केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के तहत सरकार इन दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों का आपस में विलय करा के एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहती है। दरअसल इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विलय के पीछे सरकार के कुछ खास मकसद हैं। इस विधेयक को लेकर केंद्र सरकार का कहना है कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विलय से सेवा दक्षता में सुधार और कागजी कामकाज को कम करना है, जिससे यहां नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अपनी न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की नीति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश गुजरात के नजदीक पश्चिमी तट पर मौजूद हैं। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों पर लंबे वक्त तक पुर्तगालियों का शासन रहा। भारत को आजादी मिलने के करीब एक दशक से अधिक समय के बाद दिसंबर 1961 में दोनों को पुर्तगाली शासन से आजादी मिली। गौर करने वाली बात यह है कि 1961 से 1987 तक दमन दीव गोवा केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन 1987 में जब गोवा केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना तो दमन दीव को भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। मौजूदा वक्त में इन दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों के अलग अलग सचिवालय हैं। इसके अलावा एक और जहां दमन एवं दीव में दो जिले हैं, तो वहीं दादरा नगर हवेली में सिर्फ एक ही जिला है। इस विधेयक से मौजूदा 9 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी घटकर अब 8 हो जाएगी। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के प्रभावी होने के बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 9 हो गई थी। राज्यसभा से ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों की सुरक्षा विधेयक 2019 ध्वनिमत से पारित हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। इससे पहले 5 अगस्त 2019 को लोकसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। दरअसल विधेयक में ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए कुछ जरूरी प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा यह विधेयक ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को अधिकार देगा और उनके खिलाफ होने वाले अपराधों को भी रोकेगा। इन अपराधों में यौन हिंसा, शारीरिक हिंसा, वर्कप्लेस में ट्रांसजेंडरों के साथ होने वाला भेदभाव या नौकरी देने में होने वाला भेदभाव शामिल होगा। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों की सुरक्षा विधेयक 2019 के मुताबिक ट्रांसजेंडर वो व्यक्ति हैं जिसका लिंग उसके जन्म के समय निर्धारित हुए जेंडर से मेल नहीं खाता। इनमें ट्रांसमैन,
ट्रांस वुमेन, इंटरसेक्स या जेंडर क्वेयर और सोशियो कल्चर आइडेंटिटी से संबंध रखने वाले लोग शामिल हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों की सुरक्षा विधेयक 2019 के पारित होने से ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के हितों की रक्षा होगी। साथ ही विधेयक में ट्रांसजेंडर के खिलाफ अपराध करने वाले लोगों के लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है। इन कृत्यों में भीख मंगवाना, बंधुआ मजदूरी करवाना और सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करने से रोकने जैसे काम शामिल हैं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर समुदाय को परिवार या गांव में निवास से रोकना, शारीरिक, यौन, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न करने वाले लोगों के लिए 6 महीने से 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के हितों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय परिषद की भी व्यवस्था की गई है। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के नाम से बनने वाला यह परिषद केंद्र सरकार को सलाह देगा। इसके अलावा ये इस कानून का ट्रांसजेंडर पर क्या असर हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराएगा। हालांकि कुछ ऐसी मुश्किलें भी हैं जिनको लेकर ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। दरअसल इस विधेयक में प्रावधान है कि आईडी कार्ड के लिए ट्रांसजेंडरों को मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा, जहां मेडिकल ऑफिसर उनके शरीर की जांच करेगा। ऐसे में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों का कहना है कि विधेयक उन्हें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का राइट नहीं देता। इसके अलावा 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की थी, तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों को ओबीसी का दर्जा दिए जाने की बात कही थी, जबकि मौजूदा विधेयक में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। बीते दिनों केंद्र सरकार ने उग्रवादी समूह नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड पर लगे प्रतिबंध को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। सरकार ने यह फैसला एनडीएफबी पर जबरन वसूली और हत्या जैसी कई हिंसक घटनाओं में लिप्त होने के कारण लिया है। इसके अलावा उग्रवादी समूह बोडोलैंड पर भारत विरोधी ताकतों की मदद करने के भी आरोप हैं। केंद्र सरकार ने अपने इस फैसले के दौरान इस संगठन द्वारा की गई घटनाओं की संख्या का भी जिक्र किया है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस संगठन ने जनवरी 2015 से अब तक करीब 62 हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया है। इन घटनाओं में करीब 19 लोगों की हत्या की गई है। इसके अलावा इस दौरान लगभग 55 चरमपंथी भी मारे गए हैं और 450 चरमपंथियों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही उग्रवादी समूह के पास से 400 से अधिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। बोडो असम का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत बोडो समुदाय के लोग भारत की एक महत्वपूर्ण जनजाति में शुमार हैं। असम में बोडो जनजाति समूह कुल जनसंख्या का करीब 5 से 6% है। असम के 4 जिले कोकराझार, बक्सा, उदालगुरी और चिरांग मिलकर बोडोलैंड प्रांतिक क्षेत्रीय जिले का निर्माण करते हैं। बोडो जनजाति समूह के लोगों का सशस्त्र संघर्ष और अलगाववादी मांगों का एक लंबा इतिहास रहा है। ये अलगाववादी संगठन अपने अस्तित्व से ही भारत से अलग एक स्वतंत्र और संप्रभु बोडोलैंड देश की स्थापना करने की कोशिशें करते रहे हैं। करीब 28 साल पहले 1986 में बना यह संगठन सामूहिक नरसंहार के लिए कुख्यात है और ऐसे हमलों में वो अब तक 1,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। इस संगठन की हरकतों के चलते भारत सरकार ने इस ग्रुप को आतंकवादी गुट की श्रेणी में डाल रखा है। इस ग्रुप में फिलहाल 1200 के करीब आतंकवादी हैं, जो अक्सर सुरक्षा बलों और गैर बोडो समुदाय पर हमला करते रहते हैं। इस गुट का शीर्ष नेतृत्व बांग्लादेश से चलता है, जैसे म्यांमार और भूटान के रास्ते मदद मिलती है। इसके अलावा एनडीएफबी को अघोषित तौर पर चीनी मूल के संगठनों द्वारा भी मदद मिलती है। साल 2006 में एनडीएफबी और भारत सरकार के बीच संघर्ष विराम का एक समझौता भी हुआ था, लेकिन ये 6 महीने तक ही चला था, क्योंकि एनडीएफबी ने लोगों पर हमले करने की नीति नहीं छोड़ी और न ही अपने हथियार डाले थे। बीते दिनों लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने लोकपाल के लोगो और आदर्श वाक्य की घोषणा की। लोकपाल किस लोगों का शाब्दिक अर्थ लोक और पाल के रूप में परिभाषित किया गया है। जहां लोक का अर्थ जनता से है, तो वहीं पाल को जनता की देखभाल करने वाला बताया गया है। इस मौके पर लोकपाल के आदर्श वाक्य का भी चयन किया गया। लोकपाल के आदर्श वाक्य को इसोपनिषद से लिया गया है, जिसका मतलब है कि हमें दूसरों के धन के प्रति लालची नहीं होना चाहिए। कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक लोकपाल के लोगों का चयन त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया के आधार पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले प्रशांत मिश्र के डिजाइन को लोकपाल के लोगों के लिए चुना गया है।
लोकपाल का ये लोगो इस बात की ओर इशारा करता है कि किस तरह से लोकपाल विधि के मुताबिक न्याय स्थापित करके भारत की जनता की रक्षा और देखभाल करता है। इसके अलावा लोगों में जजों की बेंच, तीन मानव आकृति, अशोक चक्र, कानून की किताब और न्यायपालिका को दर्शाया गया है। दरअसल एक लंबे प्रयास और तमाम आंदोलनों के बाद 23 मार्च को भारत के पहले लोकपाल की घोषणा की गई थी। इस मौके पर राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस पीसी घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया। भारत में सबसे पहले के एम मुंशी ने बजट के दौरान संसद में लोकपाल के मुद्दे को उठाया था। इसके बाद प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की 1966 की सिफारिश पर साल 1968 में लोकपाल विधेयक पहली बार संसद में पेश किया गया, लेकिन उस समय ये पास नहीं हो सका। बाद में लोकपाल विधेयक को साल 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, 2005, 2008 और 2011 में पेश किया गया, लेकिन हर बार ये विधेयक किसी न किसी बाधा के चलते पारित नहीं हो सका। इस तरह तमाम नाकाम कोशिशों के बाद 2013 में दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी प्रदान कर दी। लोकपाल कानून 2013 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति लोक सेवकों के भ्रष्टाचार को लेकर लोकपाल से शिकायत कर सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया है, लेकिन इसके लिए कुछ सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं। बीते दिनों बांग्लादेश ने कहा कि वो अपने यहाँ गोल्डन राइस किस्म के चावल को उगाने की मंजूरी दे सकता है। दरअसल गोल्डन राइस की खासियत यह है कि इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए मौजूद है, जो कई संक्रामक रोगों से लड़ने में सक्षम है। एक शोध के मुताबिक बांग्लादेश में करीब 21% से अधिक बच्चे विटामिन ए की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश इस समस्या से निजात पाने के लिए यह कदम उठा रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जिस गोल्डन राइस को उगाने की बात की जा रही है, वो फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। संस्थान के मुताबिक ये चावल की किस्म पारंपरिक किस्म से ज्यादा महंगी नहीं होगी। वैज्ञानिक बहुत सालों तक धान की एक ऐसी किस्म की खोज में लगे रहे जिसके चावल में बीटा कैरोटीन पाया जाता हो, हालांकि उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। ऐसे में सिर्फ ब्रीडिंग के जरिए ही धान की एक ऐसी किस्म तैयार की जा सकती थी जो बीटा कैरोटीन से भरपूर हो। 1990 के दशक में जैव तकनीक की सहायता से बीटा कैरोटीन युक्त चावल को विकसित करने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया और 2000 तक आते आते जैव प्रौद्योगिकी की तकनीक से जीएम धान की गोल्डन राइस वैरायटी बनाई गई। इस किस्म के 1 किलोग्राम चावल में 8 मिलीग्राम बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जिससे इनका रंग पीला सुनहरा दिखाई देता है। अगर मनुष्य इस धान के चावल को खाए तो उनके शरीर के भीतर बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बन जाता है। दरअसल एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों में रहने वाले गरीब लोग अपना पेट चावल खाकर ही भरते हैं। ऐसे में उनके आहार में पर्याप्त फल, सब्जी, दूध और मांसाहार का अभाव रहता है। इसका असर ये होता है कि उनके शरीर में विटामिन ए की भारी कमी हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सर्वे के मुताबिक चावल पर गुजारा करने वाले 26 देशों के लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोगों में विटामिन ए की कमी है और इसके कारण हर साल 5 लाख बच्चे रतौंधी या अंधेपन का शिकार हो जाते हैं। साथ ही विटामिन ए की कमी के चलते लाखों बच्चों की मौत भी हो जाती है। दरअसल विटामिन ए मनुष्य व अन्य प्राणियों के समुचित विकास के लिए बेहद ही जरूरी है। ये आंखों की रोशनी, हड्डियों की वृद्धि, मांसपेशियों की मजबूती और रक्त में कैल्शियम का स्तर सही बनाए रखने के साथ साथ हमें अलग अलग रोगाणुओं से लड़ने की भी ताकत प्रदान करता है। मनुष्य और दूसरे स्तनधारी जीव खुद से विटामिन ए का निर्माण नहीं कर सकते, इसके लिए उन्हें दूध, मांसाहार, सब्जियों और फलों का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें मौजूद बीटा कैरोटीन विटामिन ए में तब्दील होकर इस कमी को पूरा करता है। बीते दिनों भारत के पहले और सबसे बड़े जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में जैव औषधि, जैव कृषि, जैव औद्योगिक, जैव ऊर्जा और जैव सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों की प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा हुई। इसके अलावा इस मौके पर भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता को प्रदर्शित करने, पहचान बनाने, अवसरों का सृजन करने जैसे मुद्दों पर भी विचार विमर्श करने का अवसर मिला।
तीन दिवसीय ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 का आयोजन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी ने अपने सार्वजनिक उपक्रम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC के साथ मिलकर किया था। इस आयोजन के लिए अन्य भागीदारों में भारतीय उद्योग परिसंघ CII, एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लेड एंटरप्राइजेज ABLE और इन्वेस्ट इंडिया शामिल थे। इस मौके पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉ. रेणु स्वरूप ने कहा कि इस मेगा इन्वेंट की जबरदस्त सफलता से उत्साहित होकर विभाग सभी हितधारकों के समर्थन से ग्लोबल बायो इंडिया समिट को एक वार्षिक कार्यक्रम में बदलने की योजना बना रहा है। दरअसल जैव प्रौद्योगिकी को तेजी से उभारने वाला क्षेत्र माना गया है, जो 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बिदनो लोकसभा में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान संशोधन विधेयक 2019 पारित हो गया। इस विधेयक में प्रावधान है कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और हरियाणा में मौजूद 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित किया जाएगा। ये संस्थान मौजूदा वक्त में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हैं और डिग्री या डिप्लोमा देने की शक्ति नहीं रखते हैं। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान संशोधन विधेयक 2019 इन चारों राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों को सामाजिक रूप से समावेशी बनाने में मदद करेगा। साथ ही कृषि, स्वास्थ्य देखभाल व परिवहन सहित अलग अलग क्षेत्रों में डिजाइन की जरूरतों को भी पूरा करेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान संशोधन विधेयक 2019 के तहत ये संस्थान अब डिग्री और डिप्लोमा की डिग्री प्रदान कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रीय डिजाइन विधेयक को अब अधिनियम बनने से पहले राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत होगी। इससे पहले ये अगस्त में मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा द्वारा भी पारित किया जा चुका है। संसद में सवाल जवाब के दौरान सरकार ने बताया कि देश की निचली और जिला अदालतों में करीब 3,14,00,000 मामले लंबित हैं। इनमें से लगभग 14% मामले 10 साल या इससे भी ज्यादा पुराने हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां 10 साल से अधिक पुराने मामले अदालतों में लंबित हैं। विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से पेश किए गए राष्ट्रीय न्यायिक डेटा के आंकड़ों के मुताबिक एक ओर जहां मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट में कुल 59,867 मामले लंबित हैं, तो वहीं हाई कोर्ट में इससे भी ज्यादा 44,76,625 मामले अटके हुए हैं। इसके अलावा जिला एवं निचली अदालतों में तो ऐसे मामलों का अंबार लगा हुआ है। यहां करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा मामले लंबित हैं। ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का सबसे बड़ा देश है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के करीब 1,75,00,000 प्रवासी अलग अलग देशों में रह रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में अलग अलग देशों में रहने वाले इन प्रवासी भारतीयों के द्वारा भारत शीर्ष धन प्रेषण प्राप्त करने वाले देशों की सूची में पहले पायदान पर है। ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के मुताबिक अलग अलग देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों द्वारा सबसे अधिक 78.6 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि भेजी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासी एजेंसी द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने अपनी 2020 की ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट में कहा है कि 2019 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या अब करीब 27 करोड़ होने का अनुमान है। अमेरिका को प्रवासियों ने सबसे बेहतर जगह माना है, जहां लगभग 5.1 करोड़ प्रवासी रह रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में भारत के करीब 1,75,00,000 प्रवासी अलग अलग देशों में रह रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का सबसे बड़ा देश है। ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के मुताबिक 2018 में अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण भी बढ़कर 689 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है, जिनमें 3 शीर्ष धन प्रेषण प्राप्त करने वालों में भारत 78.6 अरब अमेरिकी डॉलर, चीन 67.4 अरब अमेरिकी डॉलर और मैक्सिको 35.7 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। इसके अलावा अमेरिका शीर्ष धन प्रेषित करने वाले देशों की सूची में टॉप पर है, जहां से करीब 68 अरब अमेरिकी डॉलर भेजे जाते हैं। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का नंबर आता है, जहां से क्रमशः 44.4 और 36.1 अरब अमेरिकी डॉलर भेजे जाते हैं। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग 2020 में ज्यादातर भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग 2020 के मुताबिक देश का कोई भी संस्थान अन्य एशियाई संस्थानों की तुलना में
शीर्ष 30 में जगह नहीं बना सका है। पिछले साल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई भी पिछले साल के मुकाबले एक पायदान फिसल कर 34वें स्थान पर आ गया है। इसके अलावा IIT दिल्ली की रैंकिंग में भी 3 पायदान की गिरावट आई है और वो 43वें स्थान पर पहुंच गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग 2020 में भारत के कुल 96 विश्वविद्यालय शामिल हैं। हालांकि भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी शीर्ष 30 में जगह नहीं बना पाई है। इन 96 विश्वविद्यालयों में से कुल 20 विश्वविद्यालयों ने पहली बार इस रैंकिंग में जगह बनाई है। इसके अलावा इस रैंकिंग में चीन का वर्चस्व कायम है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग 2020 में चीन के कुल संस्थानों की संख्या 118 है। साथ ही चीन के 4 संस्थान शीर्ष 10 में भी शुमार हैं। गौर करने वाली बात यह है कि करीब 5 साल पहले चीन का केवल 1 संस्थान शीर्ष विद्यालयों की सूची में शामिल था। तो ये थी सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। आइए आपको ले चलते इस कार्यक्रम के बेहद ही खास सेगमेंट इंडिया राउंडअप में, जहां आपको मिलेंगी हफ्ते भर की कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरें, वो भी फटाफट अंदाज में। स्टार पहलवान बजरंग पुनिया को मिला देश का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 25 साल के बजरंग को इस साल पद्मश्री सम्मान से भी किया गया था सम्मानित। 25वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का स्पेन के मैड्रिड में होगा 2 से 13 दिसंबर के बीच आयोजन। चिली की अध्यक्षता में हो रहा है इस सम्मेलन का आयोजन। बता दें कि भारत की ओर से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य मकसद 2015 में हुए पेरिस जलवायु समझौते को लेकर उभरे राजनीतिक मतभेदों को दूर करना और इस सहमत के नियमों को ज्यादा मजबूती प्रदान करना है। भारत श्रीलंका के बीच 1 से 14 दिसंबर के बीच आयोजित होगा मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण। विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे में आयोजित किया जाएगा यह अभ्यास। बता दें कि हर साल भारत और श्रीलंका में बारी बारी से इस अभ्यास का आयोजन होता रहता है। इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का मकसद भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच बेहतर संबंधों को विकसित करना है। शोधकर्ताओं ने की अरुणाचल प्रदेश में सांप की एक नई प्रजाति की खोज। ट्रकेसियम आप्टे रखा गया है सांप की इस नई प्रजाति का नाम। बता दें कि सांप की इस नई प्रजाति का नाम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के मशहूर समुद्री जीव विज्ञानी और निदेशक दीपक आप्टे के सम्मान में रखा गया है। ये नई प्रजाति का सांप अरुणाचल प्रदेश के जीरो कस्बे में मौजूद टैली घाटी वन्यजीव अभयारण्य में पाया गया है। दरअसल ट्रकेसियम प्रजाति के सांप आमतौर पर पतले होते हैं और मौजूदा वक्त में इनकी 7 प्रजातियां हैं। ये 7 प्रजातियां हिमालय, इंडो बर्मा और भारत चीन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। असमिया गमोसा बनाने वाले गैर सरकारी संस्थान को सौंपा गया दुर्लभ असम रूप टर्टल के संरक्षण का काम। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वोत्तर व दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के पहाड़ी इलाकों में ताजे पानी के बीच पाए जाते हैं असम रूप टर्टल। इसके अलावा असम रूप टर्टल प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में भी शामिल है। पाकिस्तान बना टाइफाइड से निपटने के लिए टीका बनाने वाला दुनिया का पहला देश। टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन TCV नाम से विकसित किया है पाकिस्तान ने टाइफाइड का यह टीका। चिट फंड संशोधन विधेयक 2019 को मिली संसद से मंजूरी। इसके जरिए पहले से चले आ रहे चिट फंड अधिनियम 1982 में किए गए हैं कुछ महत्वपूर्ण बदलाव। 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप छूने वाली भारत की पहली कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज आने वाले 2 सालों में बन सकती है $200 अरब के मार्केट कैप को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी। दिल्ली में आयोजित हुआ कृषि सांख्यिकी पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था ये कार्यक्रम। बता दें कि इस कार्यक्रम की थीम सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कृषि परिवर्तन के आंकड़े रहा है। ये देश में कृषि सांख्यिकी से संबंधित इस तरह का पहला सम्मेलन है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया लोकप्रिय लेखिका डॉक्टर अनिता भटनागर जैन द्वारा बच्चों के लिए लिखित 3 पुस्तकों कुंभ, गरम पहाड़ और दिल्ली की बुलबुल पुस्तक का विमोचन। ये 3 पुस्तकें बच्चों के लिए कहानी संग्रह हैं और इसमें पर्यावरण तथा सामाजिक, सांस्कृतिक
एकता और सांस्कृतिक विरासत जैसे विषयों को सहज और दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत किया गया है। 2021 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले को लेकर जोरों पर चल रही हैं तैयारियां। ग्रीन कुंभ की थीम पर हरिद्वार कुंभ 2021 का होगा आयोजन। इस बार के कुंभ मेले में गंगा की शुद्धता और पर्यावरण की रक्षा पर होगा विशेष फोकस। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आयोजित हुआ 23 से 25 नवंबर के बीच 8वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2019 देशों के 34 विदेशी प्रतिनिधि के अलावा देश के घरेलू पर्यटन उद्योग के 49 प्रतिनिधियों ने की है इस मार्ट में शिरकत। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने साइबर अपराध से निपटने के लिए खरीदे 3 नए सॉफ्टवेयर। नष्ट किए गए ऑनलाइन साक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम होंगे ये सॉफ्टवेयर। दिल्ली पुलिस ने जिन 3 सॉफ्टवेयरों को साइबर अपराध को कम करने के लिए खरीदा है उनमें क्लाउड फॉरेंसिक सिस्टम, मोबाइल फॉरेंसिक सिस्टम और नेटवर्क फॉरेंसिक सिस्टम शामिल हैं। केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम पर लगे बैन को 5 साल के लिए और बढ़ाया। गृह मंत्रालय के मुताबिक उल्फा हिंसक गतिविधियों, हत्याएं, अपहरण और रंगदारी जैसी गतिविधियों में रहा है शामिल। भारत और नेपाल के बीच 3 से 16 दिसंबर के बीच आयोजित होगा संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण। नेपाल में आयोजित हो रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण। बता दें कि सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण एक वार्षिक आयोजन है, यह हर साल नेपाल और भारत के बीच आयोजित होता रहता है। 26 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है भारत में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को जबकि भारत में ये 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक भारत में रिश्वतखोरी की घटनाओं में आई है 10% की कमी। इंडिया करप्शन सर्वे 2019 के लिए 20 राज्यों में किया गया था सर्वेक्षण और सर्वेक्षण में करीब 2 लाख लोग हुए थे शामिल। पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक विरासत से सीधा अनुभव कराने के मकसद से वाराणसी में आयोजित हुआ डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट सम्मेलन पहली बार वाराणसी में आयोजित हुआ है ये कार्यक्रम। वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया की मदद से फलों एवं दुग्ध उत्पादों से बनाई टैगाटोज नाम की चीनी। सामान्य चीनी के मुकाबले सिर्फ 38% है इस चीनी में कैलोरी। टैगाटोज नाम की चीनी को अमेरिका के खाद्य नियामक FDA से मंजूरी भी मिल चुकी है। स्पेन बना टेनिस का नया वर्ल्ड चैंपियन। डेविस कप के फाइनल में कनाडा को 2-0 से हराकर स्पेन बना टेनिस का नया वर्ल्ड चैंपियन। मशहूर कार्टूनिस्ट सुधीर धर का कार्डिक अरेस्ट के कारण निधन। द स्टेटमैन से शुरुआत करने वाले सुधीर धर ने कई भारतीय अखबारों के अलावा विदेशी अखबारों में किया है काम। और देश के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी शो न्यू जेन मोबिलिटी समिट 2019 का इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी मानेसर में हुआ आयोजन। भारत समेत दुनिया के 15 देशों के ऑटोमोटिव क्षेत्र के दिग्गजों ने की इस समिट में शिरकत। बता दें कि समिट में ऑटोमोटिव क्षेत्र के सभी नीति निर्धारक, उत्पादक, ट्रेडर्स एवं इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहन उत्पादकों को आमंत्रित किया गया था। तो ये थी सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। परीक्षा के लिहाज से जरूरी और तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल DIS को। नमस्कार।